हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके AIB 18 में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। साथ ही ये क्वेश्चन जो है, आप अगर किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की, APO की, JLO की, या किसी भी लॉ इंटर्न एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियोस आपके लिए डेली आती रहेंगी। आप कंटिन्यू इस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। और स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्वेश्चन जो है 14+ है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 57 ऑफ द IPC, द टर्म लाइफ इम्प्रिजमेंट या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ किससे रिलेट करती है सेक्शन 57 के अनुसार? तो पहला ऑप्शन है 20 साल, दूसरा ऑप्शन है 14 साल, तीसरा ऑप्शन है 16 साल, और 12, चौथा ऑप्शन है 12 साल। यानी कि जब हम सेक्शन 57 को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार इसे कंसीडर किया जाता है। कितने साल? इसे 20 साल कंसीडर किया जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। IPC की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि क्या होगी? तो वो 20 साल होगी। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह हमारा रिलेटेड है सेक्शन नंबर 55 से IPC की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो कि कंप्यूटेशन की बात करती है, और उसे कितना कंसीडर किया गया है? क्या 20 साल, 14 साल, 16 साल, 12 साल? तो उसे कंसीडर किया गया है 14 साल जब हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं, और सेक्शन नंबर 55 की बात करते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। IPC की धारा 55 के अनुसार आजीवन कारावास की सजा का अर्थ क्या होता है जब हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं? तो ये होता है 14 साल। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। ये केस लॉ से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट मेक इट क्लियर दैट द मेयर क्रिटिसिज्म एंड कमांड ऑन गवर्नमेंट वुड नॉट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ ए सेडिशन। सेडिशन के बारे में सेक्शन नंबर 124A में बताया गया है, या किसमें बताया गया है? ये ठीक है तो सही है, अगर ठीक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये किस केस के अंदर दी गई है, ये हमारा प्रश्न है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, उसके बाद जो इसका सही जवाब होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल सरकार की आलोचना और टिप्पणी करना राजद्रोह का अपराध नहीं होगा? यह बात की गई थी हमारा केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के अंदर। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि केस लॉ से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन फॉर द अवॉर्ड ऑफ डेथ पेनल्टी वाज इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। किस केस के अंदर किया गया था? इससे पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से किस मामले में मौत की सजा देने के लिए दुर्लभता सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक इल्यूस्ट्रेशन है। इससे आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्या कह रहा है? ए फाइंड ए डायमंड रिंग इन ए शॉपिंग मॉल नॉट नोइंग टू हुम इट्स बिलोंग, कि वो किससे संबंधित थी। ए सेल इट इमीडिएटली, उसने तुरंत उसे बेच दिया विदाउट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द ट्रूथ ओनर, कि उसका एक्चुअली में ओनर कौन है उसे ढूंढा ही नहीं। हैज ए कमिट एन ऑफेंस, तो क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ए हैज कमिट एन ऑफेंस ऑफ ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दूसरा क्या कह रहा है? ए हैज कमिटेड ए ऑफेंस ऑफ ए मिसचीफ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस।
फोर्थ ऑप्शन है ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कौन सा इसका सही जवाब है, उससे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। ए ने शॉपिंग मॉल में एक हीरे की अंगूठी ए ए को शॉपिंग मॉल में एक हीरे की अंगूठी मिलती है और उसे नहीं पता है कि यह किसकी है। ए असली मालिक को खोजने का प्रयास किए बिना उसे तुरंत बेच देता है, तो क्या ए ने कोई अपराध किया है? यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो हमें इंग्लिश में समझ में आते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो हमें हिंदी में समझ में आते हैं, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों को दोनों लैंग्वेज में आपको जो है पढ़कर सुनाता हूँ। बात करें पहले ऑप्शन के बारे में, ए ने आपराधिक विश्वास संज्ञा का अपराध किया है। दूसरा है ए ने शरारत का अपराध किया है यानी कि मिस्चीफ का। थर्ड ऑप्शन है ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है। फोर्थ ऑप्शन है ए ने संपत्ति को बेईमानी से दुरुपयोग का अपराध किया है। तो कौन सा अपराध किया है इस स्टेटमेंट के अनुसार? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है उसने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस किया है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टॉक अबाउट द पनिशमेंट ऑफ द डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कहाँ पर पनिशमेंट दी गई है? सेक्शन नंबर 402, 403, 404, 405। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुभाग में संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग की सजा के बारे में बात की गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 403 जो है आईपीसी का, वो इसकी पनिशमेंट की बात करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि एनी मैन हु मॉनिटर द यूज बाय ए वूमेन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन। यानी कि ऑनलाइन तरीके से किसी को क्या करना, मॉनिटर करना, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ईमेल आईडी हो या कोई भी अलग इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन का फॉर्म हो, तो ऐसे में उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? पहला ऑप्शन है वोयरिज्म, सेकेंड ऑप्शन है स्टॉकिंग, थर्ड ऑप्शन है सेक्सुअल हरेसमेंट, फोर्थ ऑप्शन है असोल्ट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। कोई भी पुरुष जो किसी भी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या फिर किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकल संचार का उपयोग कर निगरानी करता है, वह कौन सा अपराध करता है? तो ये पहला ऑप्शन है ताका जाकी, वोयरिज्म, दूसरा ऑप्शन है पीछा करना, स्टॉकिंग करना, तीसरा ऑप्शन है यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट, या फोर्थ ऑप्शन है हमला जिसे हम असोल्ट कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि उसने स्टॉकिंग का ऑफेंस जो है कमिट किया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द पनिशमेंट ऑफ द स्टॉकिंग। स्टॉकिंग की पनिशमेंट अब कहाँ पर दी गई है ये आपको पता लगाना है। सेक्शन 354 कैपिटल ए, सेक्शन 354 कैपिटल बी, सेक्शन 354 कैपिटल सी, सेक्शन 354 कैपिटल डी। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, तो निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर पीछा करने का जो अपराध है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन नंबर 354 डी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी नॉन ट्रीटमेंट ऑफ ए विक्टम बाय द पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इज पनिशेबल। यानी कि कोई पब्लिक है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो कौन सी सेक्शन में उसको सजा दी जाएगी? पहला ऑप्शन है सेक्शन 166 कैपिटल बी, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 165 कैपिटल ए, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 228 कैपिटल ए, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 376 कैपिटल डी। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उनके लिए पढ़ देते हैं। सार्वजनिक या निजी अस्पताल द्वारा पीड़ित का इलाज ना करना आईपीसी की किस धारा के अंदर दंडनीय होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेक्शन नंबर 166 कैपिटल बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका जो है सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, इससे हमें पता लगाना है कि कौन सा ऑफेंस यहाँ पर
कमिट हुआ है। ए गोज जेड टू गो विद इन ए वर्ल्ड स्पेस एंड लॉक्ड जेड, यानी कि वर्ल्ड स्पेस के अंदर एक व्यक्ति है उसको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, एक कारण बनता है, ए ने जेड को बंद कर दिया वर्ल्ड स्पेस के अंदर और उसे वहां पर लॉक कर दिया। जेड इज दस प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑफ एनी डायरेक्शन बियॉन्ड द सर्कमस्क्राइब लाइन ऑफ ए वॉल, यानी कि वो एस इसमें बंद कर दिया गया, वो कहीं से भी जो है निकल नहीं सकता है, कोई भी उसके पास रास्ता नहीं है। ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ऑफ कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, पहला है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन ऑफ जेड, दूसरा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ जेड, तीसरा है क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट जेड, फोर्थ है अनडेंजर ऑफ लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ जेड। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। ए जेड को दीवार वाली जगह के अंदर जाने के कारण जाने का कारण बनता है, यानी कि उसे बंद कर देता है एक तरीके से, और जेड को अंदर ही बंद कर देता है। इस प्रकार जेड को दीवार की परिचालक रेखा से परे किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, चाहे वो कोई सी भी दीवार हो उससे उसे निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। ए ने कौन सा अपराध किया है, तो यहाँ पर उसने कौन सा अपराध किया है, उसने किया है यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे सीपीसी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीआरपीसी के किस धारा के तहत कानूनी प्रतिनिधित्व से संबंधित है, यानी उसे डिफाइन किया गया है या उसके बारे में बताया गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 जो है बात करती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में या लीगल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। ए डाय लीव बिहाइंड ए सन एक्स एंड ए मैरिड डॉटर वाई, ए शूट फाइल्ड बाय ए आफ्टर हिज डेथ कैन बी कंटिन्यू बाय, यानी कि उसके मरने के बाद अगर वो फाइल करते हैं केस तो कौन उसके उत्तराधिकारी होंगे। पहला ऑप्शन है एक्स अलोंग एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड है वाई अलोंग एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड है एक्स वाई एंड द हस्बैंड वाई एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फोर्थ है एक्स एंड वाई बोथ आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। ए अपने पीछे एक बेटा एक्स और एक विवाहित बेटी वाई छोड़कर मर जाता है, ए द्वारा उसकी मृत्यु के बाद दायर किया गया मुकदमा जारी रखा जा सकता है, किसके द्वारा, कौन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्स अकेला कानूनी प्रतिनिधित्व के रूप में, दूसरा है कानूनी प्रतिनिधित्व के रूप में अकेला वाई, तीसरा है एक्स वाई और पति वाई कानूनी प्रतिनिधित्व के रूप में, और फोर्थ ऑप्शन है एक्स और वाई दोनों ही कानून प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस शूट को फाइल कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कौन सा ऑप्शन, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, एक्स और वाई दोनों ही यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होंगे। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं इसका सही जवाब हमारा कौन सा है। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन था लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसे शायद आप ठीक कर लीजिए, इसका जो क्वेश्चन का जवाब था वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में इसे डिफाइन किया गया है, तो इसे एक बार आप देख लीजिए, ये है इसका जवाब या सेक्शन 212 है। मेरे हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 जो है इसका सही जवाब है, तो इसको आप एक बार ठीक कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिएगा, इसका जो सही जवाब है मैं यहाँ पर डबल टिक कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो इसका ये जो है सही जवाब है, क्योंकि जब हम मेंसे प्रॉफिट की बात करते हैं तो मेंसे प्रॉफिट को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील विद द मेंसे प्रॉफिट। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा।
सीपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा में मेंसे लाभ की बात की गई है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 इस बारे में बात करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी, मेंसे प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉपर्टी आर ए प्रॉफिट रिसीव बाय ए पर्सन, किस तरीके से उसने प्रॉपर्टी को रिसीव किया है जिसे हम मेंसे प्रॉफिट कहेंगे। पहला है अनलॉफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा है रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा है लॉफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, चौथा है इफेक्टिव पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी की धारा 2 उपधारा 12 के अनुसार संपत्ति का मेंसे प्रॉफिट यानी कि मेंसे लाभ किस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त लाभ है? संपत्ति का अवैध कब्जा, दूसरा है संपत्ति का गलत कब्जा, तीसरा है संपत्ति का वैध कब्जा और चौथा है संपत्ति का प्रभावी कब्जा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि रॉन्गफुली अगर किसी ने प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया है, गलत तरीके से किसी संपत्ति का कब्जा लिया है, तो वो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि जो ओल्डर टर्म है उसे कहाँ पर डिफाइन किया गया है सीपीसी के अंदर। तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में इसे डिफाइन किया गया है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुभाग में ऑर्डर से संबंधित है यानी कि ऑर्डर टर्म को डिफाइन किया गया है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, ये एक स्टेटमेंट है जिससे आपको पता लगाना है कि कौन सा सही जवाब है। अंडर सीपीसी एडजुडिकेशन ऑफ ए कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? ऑर्डर कहलाएगी, समन कहलाएगी, रूल कहलाएगी, जजमेंट कहलाएगी। सीपीसी के तहत एक आदेश का निर्णय जो डिग्री नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑर्डर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑर्डर आदेश को कहा जाता है एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि प्लीडर टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है सीपीसी के अंदर। जब हम बात करते हैं प्लीडर टर्म की तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुभाग में प्लीडर शब्द को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के अंदर। तो इसको आप, ये जो डेफिनेशंस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 2 जहाँ पर डेफिनेशन दी गई है हर एक बेर एक्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द टर्म गवर्नमेंट प्लीडर इज डिफाइंड, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में जो है गवर्नमेंट प्लीडर के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुभंग में सरकारी वकील शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2 उपधारा 7 के अंदर इसे जो है डिफाइन किया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इसको समझते हैं कि द कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कोज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सीपीसी 1908, इसको याद रखिएगा, 1908 हमारा जो है सीपीसी का एक्ट है, इज सबोर्डिनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है कोई भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन है ऊपर के दोनों, फर्स्ट और सेकंड। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी 1908 की धारा 3 के तहत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किस किसके अधीन है? केवल उच्च न्यायालय, केवल जिला न्यायालय, या दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर ऊपर के दोनों ऑप्शन। जब हम बात करते हैं स्मॉल कोज कोर्ट की तो इसका जो सही जवाब है ये दोनों ही अधीन है, इन दोनों अधीन के अधीन है, सबोर्डिनेट है हाई कोर्ट की भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी स्मॉल कोज कोर्ट। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि सीपीसी अमेंडमेंट 2002 कब आई थी फोर्स के अंदर? तो ये आई थी हमारी 1 जुलाई 2002 को, ये आपको पता चल ही गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क इन ए एग्जामिनेशन इन चीफ, तो कौन सा इसका सही जवाब है, इसको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट
एज टू द मैटर विच इज इंट्रोडक्टरी, सेकेंड ऑप्शन है इफ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट द मैटर इन्वॉल्व हैज ऑलरेडी बीन सफिशियंटली प्रूव। तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, प्रमुख प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला है उन मामलों के संबंध में न्यायालय की अनुमति से जो परिचयात्मक है। दूसरा है यदि यदि न्यायालय की राय में संबंधित मामला पहले ही पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका है, तो इन दोनों को शामिल किया गया है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। ए बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटोर्नी और ए वकील दैट एन ए इम्पोर्टेंट विटनेस इज ए डकेट, यानी कि वो डकेट है जो कि गवाही देने के लिए गवाह आया है। दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज डकेट, क्या ये एक रीजनेबल ग्राउंड है ऐसा पूछने के लिए या बताने के लिए क्या ये वो डकैत था, ये बताना क्या रीजनेबली ग्राउंड है। दिस इल्यूस्टेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो किस सेक्शन से इसे लिया गया है ये हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन 149, 156 और 153, थर्ड ऑप्शन है 147 और फोर्थ ऑप्शन है 145। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, एक वकील या वकील द्वारा एक बैरिस्टर को निर्देश दिया जाता है कि वह एक महत्वपूर्ण गवाह डाकू है यानी कि डकैत है, और यह गवाह से पूछने का उचित आधार है कि क्या वही जो है डाकू है, क्या वह डाकू है। यह दृष्टिकोण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पहला ऑप्शन, सेक्शन नंबर 149 इस बारे में बात करता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन में भी फॉरबिडन बाय द कोर्ट, यानी कि जो कि लज्जाजनक है या बेकार तरीके के जो शब्द क्वेश्चन है वो नहीं पूछ सकते किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 149, 150, 151 या फिर 152, ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, अशोभनीय निंदनीय प्रश्न, निंदनीय प्रश्न को न्यायालय द्वारा प्रतिबंध किया जाता है किस सेक्शन के अनुसार, तो सेक्शन नंबर 151 के अनुसार। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। विच ऑफ द इंडियन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मेक द प्रोविजन दैट देयर शैल बी नो ट्रायल ऑन ए ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ प्लान, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है इन दो टर्म के बारे में, इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ प्लान के बारे में। सेक्शन नंबर 166, सेक्शन नंबर 165, सेक्शन नंबर 167, सेक्शन नंबर 161। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा है जो यह प्रावधान करती है कि साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या फिर अस्वीकृति के आधार पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। तो जो चीज़ आपको हिंदी में समझ नहीं आएगी वो आपको इंग्लिश से आ जाएगी, और जो आपको इंग्लिश से समझ नहीं आएगी वो आपको हिंदी से आ जाएगी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है आपके लिए डेली कंटिन्यू आती रहेंगी, हम 50 to 60 जो है डेली MCQ कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि प्री आपको देना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर केवल MCQ बेस ही क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, हम डेली जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, सुनेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम जो है एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ जो है फास्टली जो है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये केवल AIB तक सीमित नहीं है, AIB ख़त्म होने के बाद भी थोड़े से और ज़्यादा ट्रिकी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी
यानी कि सेक्शन नंबर 167 बात करता है कि अगर कोई इम्प्रॉपर एडमिशन या फिर एविडेंस का रिजेक्शन हुआ है तो उस ग्राउंड पर कोई भी नया मुकदमा नहीं होगा, और वो ये दोनों, इन दोनों आधार पर कोई भी आधार नहीं है, कोई भी मुकदमा नहीं होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, इससे आपको पता लगाना है कि इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। पहला ऑप्शन कह रहा है ए कंप्लायंस शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन और इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कोर्ट में परमिट ए पार्टी हु कॉल्ड ए विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन ए क्रॉस एग्जामिन बाय द एडवर्स पार्टी। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कानून के अनुसार सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक सहयोगी यानी कि अकम्प्लायंस, और उसे हम साथी भी कहते हैं, किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य बन सकता है। सेक्शन 133 इस बारे में बात करती है इंडियन एविडेंस एक्ट की। गवाहों से जिरह में प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है अदालत उस पक्ष को अनुमति दे सकता है जो किसी भी गवाह को बुलाता है और उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जिसे विरोध पक्ष द्वारा क्रॉस के लिए यानी कि जिरह में रखा जा सकता है, और उपरोक्त सभी। तो इस इन सभी में से जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी, तो कौन सा जो ऐसा जवाब है जो बिल्कुल सही है। सभी स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, इसलिए इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 32 अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु डाई इज ए रिलीवेंट। यानी कि सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट की वो बात करता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरते हुए कोई स्टेटमेंट दे देता है तो वो रिलीवेंट होती है सेक्शन 32 के अंदर। अब यहाँ पर इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इफ इट रिलेट टू द कोज ऑफ समवन एल्स डेथ। सेकंड है इफ इट रिलेट टू द कोज ऑफ ओवन डेथ एंड सम अदर एल्स डेथ। थर्ड ऑप्शन है इफ इट इज रिलेटेड टू द कोज ऑफ हिज ओवन डेथ। एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबो, यानी कि समवन ओवन या समवन या फिर ओवन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के तहत एक व्यक्ति का बयान जो मर चुका है प्रासंगिक होगा यानी कि रिलेवेंट होगा। तो इंग्लिश की टर्म और हिंदी की टर्म हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम देते हैं लो बेस पर मेंस के अंदर, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको हिंदी की लीगल टर्म पता है तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनेशन पर, एग्जामिनर पर, कि इसे काफ़ी अच्छा पता है, इसे दोनों लैंग्वेज पर इसकी अच्छी पकड़ है। बात करें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हिंदी में, यदि यह किसी और की मृत्यु का कारण से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है यदि वह उसकी अपनी मृत्यु या किसी और की मृत्यु के कारण से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन है यदि वह उसकी अपनी मृत्यु के कारण से संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 32 को, तो उससे रिलेवेंट ऑप्शन जो है हमारा थर्ड ऑप्शन है, यानी कि इफ इट इज रिलेटेड टू द कोज ऑफ इट्स ओवन डेथ, यदि वह उसकी अपनी मृत्यु के कारण से संबंधित है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। फैक्ट विच थ्रू नॉट इन इशू सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। यानी कि इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सेम ट्रांजेक्शन, वेदर दे ओकर्ड एट द सेम टाइम और सेम प्लेस और एट ए डिफरेंट टाइम और ए डिफरेंट प्लेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन है आर इररिलेवेंट, सेकंड ऑप्शन है आर रिलेवेंट, थर्ड ऑप्शन है पार्टली रिलेवेंट, फोर्थ ऑप्शन है कोई भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, फिर इसका सही जवाब क्या है वो हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तथ्य जो विवादग्रस्त ना होते हुए भी विवादग्रस्त तथ्य से
इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि ए एक ही लेन देन का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो एक ही समय एक ही स्थान पर घटित हुआ हो या अलग समय या अलग अलग स्थान पर घटित हुआ हो। तो पहला ऑप्शन है अप्रासंगिक, सेकंड ऑप्शन है प्रासंगिक, तीसरा ऑप्शन है आकस्मिक रूप से प्रासंगिक और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो जब हम बात करते हैं सेम ट्रांजेक्शन की, सेम समय सेम प्लेस, डिफरेंट समय डिफरेंट प्लेस पर, तो वो रिलीवेंट होता है हमारा, तो इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है, प्रासंगिक होता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाई टू। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है एफिडेविट प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, थर्ड ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर और एनी आर्बिट्रेटर एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। पहला ऑप्शन है किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई, दूसरा ऑप्शन है किसी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र, तो यहाँ पर आपको पता चल गया एफिडेविट को शपथ पत्र कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में इन सभी स्टेटमेंट में से, तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई होती है, जो कह रही है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यह कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए ट्रायल ऑफ ए मर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी प्रूव, यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है और उसका ट्रायल चल रहा है, तो उस दौरान इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ ए कन्फेशन एंड ऑफ ए अक्यूज मेड इन ए पुलिस कस्टडी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस कस्टडी में उन्होंने कोई कन्फेशन किया है तो क्या वो रिलीवेंट होगा। सेकंड ऑप्शन है रिकवरी ऑफ ए वेपन ऑफ ए ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनदर केस, किसी दूसरे केस के संबंध में उसने ये कहा है कि वो वेपन की रिकवरी जो है, वेपन वहां पर है और वहां से वेपन की रिकवरी हो जाती है। और थर्ड ऑप्शन है एनी एनी रिकवरी ऑफ ए डेड बॉडी द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज एज टू प्लेस वेयर ही थ्रू द डेड बॉडी। तो मोस्टली जो है ये दोनों ही इससे रिलेटेड हैं। बात करें लास्ट ऑप्शन की, नॉन ऑफ द अबव, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, फिर इसका कौन सा सही जवाब है आपके साथ शेयर करेंगे। हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान निम्नलिखित में से क्या साबित किया जा सकता है, पहला है जांच के दौरान पुलिस हिरासत में लिया गया आरोपी का बयान जिसे हम कन्फेशन कहते हैं, इकबालिया बयान जिसे हम कहते हैं वो लिया गया है, दूसरा है किसी अन्य मामले की जांच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अपराध के हथियार की बरामदगी करना, और तीसरा है शव की बरामदगी के बाद आरोपी का बयान कि उसने शव को कहाँ फेंका था, यानी कि बरामदगी के बाद, इसलिए ये जो है रिलीवेंट नहीं है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो रिलीवेंट है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि अभी हमने ये पढ़ा था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ में भी एक्सेप्शन है आपके पास, विद द कोर्ट ऑफ द परमिशन आप कर सकते हैं। तो कौन सा इसका सही जवाब है, पहला ऑप्शन है इन मैटर विच इज डिस्प्यूटेड और नॉट इंट्रोडक्टरी, सेकंड ऑप्शन है व्हेन द मैटर इज क्वेश्चन इज ए सफिशियंटली प्रूफ, एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबो कंडीशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो कंडीशन। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय की अनुमति के मुख्य परीक्षण के दौरान एक प्रमुख प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला है ऐसे मामले जो विवादित हो या फिर परिचयात्मक ना हो, दूसरा है जब प्रश्नगत बातें पर्याप्त रूप से सिद्ध हो,
और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से दोनों शर्तें, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी शर्त नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो रिलीवेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है रिलीवेंट है। नहीं, इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है सही है। सेकंड ऑप्शन इसका जो है सही है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन पर इसको जो है टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि कहाँ से हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे अलग अलग फेडरल सिस्टम है जो शामिल किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। किस तरीके से डिफरेंट है? इन दैट टाइम इंडिया हैज़ बोथ। पहला ऑप्शन है बोथ आर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूशन। सेकेंड ऑप्शन है सिस्टम ऑफ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है बाय बाय कैमरल लेजिस्लेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है द सिस्टम ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो भारतीय संसदीय प्रणाली उस समय की ब्रिटेन संसद प्रणाली से भिन्न थी या अलग थी। पहला ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार के कार्यकारी। दूसरा है सामूहिक जिम्मेदारी की एक प्रणाली। और तीसरा है दुव्य सदनीय विधायिका। और चौथा फोर्थ ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। तो इसका कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट टू जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट द जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट फ्रॉम ओनली इंडिया, ओनली यूएसए, बोथ वन एंड टू एंड ओनली यूके। यानी कि न्यायिक समीक्षा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है किसमें? केवल भारत या फिर यूएसए में या फिर इन दोनों में? तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन, दोनों में। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन है द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। एंड सेकंड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए फेडरल एंड यूनिटरी, बोथ। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज फॉर फेडरल फॉर्म। फोर्थ ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का संघीय स्वरूप है। सेकंड ऑप्शन है भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों है। तीसरा है फ्रांस की सरकार संघीय स्वरूप की है। फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता के द्वारा की जाती है। तो इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी रिलीवेंट है, ये हमने यहाँ पर देखना है। तो आपके अनुसार इसकी कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि कंकरंट लिस्ट इंक्लूड की गई है इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि दी गई थी किस कंट्री के द्वारा? साउथ यूनियन, सोवियत यूनियन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इटली और फोर्थ है कनाडा। यानी कि भारत के संविधान में शामिल साम्यवर्ती सूची किसके द्वारा दी गई थी? तो ये है हमारा सोवियत संघ, पहला है सोवियत संघ, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इटली और फोर्थ है यानी कि चौथा है कनाडा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। कंकरंट लिस्ट से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमें ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है।
बात करें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, द आइडिया ऑफ कंकर्रेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन। इसी तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ द कंकर्रेंट लिस्ट डिस्क्राइब इन द सेवन शेड्यूल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित साम्यवर्ती सूची की अवधारणा को संविधान से उधार लिया था। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कंकरेंट लिस्ट की, जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपने बोरो की थी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन ए सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री, विच कंट्री हैज कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रेमिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आयरलैंड से। आयरलैंड से हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, भारत के संविधान के अन्य देशों के संविधान की एक निश्चित विशेषता ली है, किस देश ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया था। तो वो दिया था हमारा आयरलैंड ने। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, अब वीडियो फिनिश हो जाएगी। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट एक्सपीरियंस सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ ए काउंसिल ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ, इससे आयरलैंड की कंट्री से यानी कि आयरिश रिपब्लिक से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। राज्य की परिषद की संरचना में प्रतिभा, अनुभव और सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारत के संविधान निर्माता किसके उदाहरण से प्रभावित थे। तो ये था आयरिश गणराज्य, यानी कि आयरिश लैंड जो है हमारा, उससे आयरिश यानी कि जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा था, आयरलैंड जो था उससे कनेक्टेड थे। बात करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस वीडियो में। द कंसेप्ट ऑफ ए फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर हमने कहाँ से ली है, या फिर हमने कहाँ से ली है, फ्रेंच से ली है। तो ये हमने ली है हमारा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन है, हमने रूस से ली है, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लास्ट है ये। द कंसेप्ट ऑफ ए फंडामेंटल राइट एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडोप्टेड फ्रॉम द USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से अपनाया गया था। तो कहाँ से अपनाया गया था, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो मैं वीडियो को यहीं पर अब पोज कर रहा हूँ, यानी कि फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।